चाइना और पाकिस्तान दोनों आज के समय सदमे में हैं, क्योंकि भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके वजह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या आखिर। चीन और पाकिस्तान यूएन में जाएं, चीन और पाकिस्तान किसी और असेंबली में जाकर अपनी इस बात को कहें, आखिर वो जाए कहाँ? चाइना वीटो पावर लेके आखिर करे तो करे क्या? भारत का डीआरडीओ रुक ही नहीं रहा है, भारत की सरकार रुक ही नहीं रही है, अगेन अगेन मिसाइल टेस्ट करी पड़ी है। 48 घंटे के अंदर में दो मिसाइलों का टेस्ट करके भारत के डीआरडीओ ने बता दिया चाइना और पाकिस्तान को कि हम अपनी काबिलियत को पहचानना और अपनी काबिलियत को रिप्रेजेंट करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं भारत के डीआरडीओ के आज पहले मिसाइल की एक छोटे से स्पेसिफिकेशन की, जिसके वजह से चाइना और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। ये मिसाइल की वजह से नहीं डरे हुए हैं, ये जो मिसाइल है हवा में अपने डायरेक्शन को बदल सकती है, इस टेक्निक से डरे हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान को ये डर इतना ज़्यादा सता रहा है कि अब भारत, अगर हम भारत के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो भारत जो प्रलय मिसाइल से अटैक करेगा, ये अटैक एयर में अपने डायरेक्शन को बदल सकता है। ये बहुत बड़ी इनके लिए खतरे की घंटी है। डीआरडीओ ने भारत में 24 घंटे में दूसरी बार गुरुवार को सतह पर मार करने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण फिर से कर दिया था। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर दूर तक निशानों को भेद सकती है। इसकी जो एक एकदम एग्जैक्ट पॉइंट है उसको चेक करने के लिए डीआरडीओ ने फिर से इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लिया था और फिर से ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। भारत के डीआरडीओ इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है, आसानी से डिप्लॉय कर सकती है, और इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। चाइना और पाकिस्तान के जो विरोधी देश हैं उनको हम आसानी से बेच सकते हैं, और हम इसे जब बेचेंगे तो जो लोग MTCR के सदस्य नहीं हैं, मतलब जो 400 किलोमीटर के अधिक की मिसाइलें नहीं रख सकते हैं रेंज की, उनको भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको स्वनिर्मित किया, अपने देश में निर्मित किया है। इसकी रेंज को हम और कम कर सकते हैं, हमें आराम से दे सकते हैं। इसे डीआरडीओ और भारत सरकार बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा सकती है। लेकिन कल परसों में आपको एक न्यूज़ मैंने बताई थी कि भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जो एक बंकर वंकर अलग एक मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके तरफ से, ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी समझना, इंडियन आर्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी समझने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझने को तैयार नहीं है। अगेन पंजाब में भी, अगेन और भी किसी स्टेट में कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी कर रही है। उसको एक रीजनल चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक भारत शांत है तभी तक शांत है। भारत के शब्र की परीक्षा पाकिस्तान ना ले और पाकिस्तान के आतंकवादी ना ले, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको एक्सेप्ट कर लेगी इंडिया में और 2 फीट 4 फीट नीचे गाड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत की तरफ से जो प्लान तैयार है, ऑन द वे जो प्लान है, ये भारत की तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड प्लान है ये, कि जो भारत का POK का एरिया, हम POK का एरिया ऐसे नहीं लेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम POK ऐसे नहीं लेंगे। POK को लेने के पीछे हम पहले अपनी वीटो पावर को एक्सेप्ट करेंगे। जब हम वीटो पावर लेंगे तो हम आराम से इस्लामाबाद तक कब्जा कर सकते हैं, पाकिस्तान रोक नहीं सकता है। अगर हम POK की बात को हटाकर अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में बहुत टूटा हुआ एक देश है। टूटा हुआ कैसे है, इस चीज़ के बारे में समझिए। सबसे पहले अगर नीचे के हिस्से में आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहा होगा, नीचे का अगर हिस्से से हम देखते हैं तो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में 44% एरिया जो है पाकिस्तान का, वही बलूचिस्तान में है। ये 44% एरिया में पाकिस्तान कोई विकास नहीं करता, और यहाँ युद्ध हुआ तो भारत सरकार को यहाँ की आर्मी को मार देना चाहिए और 40% जो एरिया है उसको, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं ना वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ना यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ करता है, ना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा करता है, ना कोई डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा करता है, ना कोई यहाँ पे एडुकेशन अच्छा करता है, सिर्फ यहाँ के लोगों पे जुल्म ढालता है। तो 44% जो एरिया के लोग हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं, तो भारत सरकार को सबसे पहले इन्हीं 40% लोगों को आज़ाद करा देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का आधा हिस्सा टूट जाएगा। अब इसके जस्ट बगल में सिंध है, तो पूरे पाकिस्तान का 70% जो इनकम होता है वो सिंध प्रांत से ही होता है। 50% अपने टोटल बजट का पाकिस्तान इस पर खर्चा करता है। इनको डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा है, और अभी हाल में एक पहले न्यूज़ आई थी कि 15 आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर छुट्टी पर चले गए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं थे। तो सिंध का जो एरिया है वो भी पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है। ये एरिया भी अपने आप में आज़ाद होना चाहता है। इसके जस्ट ऊपर बात करते हैं पंजाब के एरिया की, तो पंजाब में पाकिस्तान का, इनफैक्ट पाकिस्तान का दूसरा रूप भी पंजाब है। पंजाब में 90% जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो नेता हैं या अफसर हैं कोई भी हैं, तो ये 90% वाले ये पंजाब से ही आते हैं पाकिस्तान के। और इसके जस्ट ऊपर है खैबर पख्तूनवा का एरिया। खैबर पख्तूनवा के एरिया में यहाँ जाने से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के नेता डरते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तालिबान का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, और अब तो बगल में अफगानिस्तान भी आ चुका है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट
डिप्लॉयमेंट तालिबान की है और आईएसआई वाईएसआई की नीचे इसकी डिप्लॉयमेंट है। तो पाकिस्तान का इतना एरिया तो खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फाइट एंड टफ झेल रहा है सीरियस मैटर्स में, तो पाकिस्तान अपने आप में ही बर्बाद है। और इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।